नमस्कार बच्चों जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें जो तलाश पाठ था उसके दो अंशों की बात की थी इसमें अगले दो अंशों की बात करेंगे तो भारत की तलाश हमने पिछले में पढ़ा था भारत के अतीत की झांकी और भारत की शक्ति और सीमा अब इसमें बात करेंगे भारत की तलाश तो नेहरू जी जानते थे कि भारत का अतीत जानने के लिए पुस्तकों का अध्ययन प्राचीन स्मारकों और भवनों के दर्शन सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन और भारत के विभिन्न भागों की पदयात्राएं पर्याप्त होंगी तो भारत की तलाश करने के लिए काफी होंगी पर इन सब से उन्हें वह संतोष ना हासिल हो सका जिसकी उन्हें तलाश थी हां से उनमें भारत की समझ जरूर पैदा हुई समझे यात्राओं से समझ ही हुई थोड़ी उन्होंने देखा कि समय का भारत भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है एक अद्भुत मिक्सचर था यह सब कुछ बेचैन करने वाला था घूमे तो पता लगा ना दुनिया की सच्चाई क्या है ऊपर से तो भारत कोई भी देश दिखेगा कि बहुत आधुनिक हो गया है नेहरू जी उच्च वर्ग के प्रशंसक ना होकर भी अंग्रेज़ों से संघर्ष के लिए मध्य वर्ग की ओर देखते थे मध्य वर्ग उस समय बुरे हालात से गुज़र रहा था वह तरक्की या विकास करना चाहता था पर ऐसा ना कर पाने के कारण वह अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोशित हो रहा था ठीक है गुस्सा आ रहा था तो वह अंग्रेजों की कई नीतियों को सही मानता था वह अंग्रेजों को देश से बाहर करके स्वयं शासन चलाना चाहते थे असल में मध्य वर्ग इसी ढांचे की पैदाइश था जो उस ढांचे को उखाड़ फेंकने में स्वयं को सक्षम नहीं समझता था ठीक है बच्चों इसी बीच नई ताकतों के उदय ने युवा बुद्धिजीवियों को उन गांवों की याद दिलाई जिनका अस्तित्व ही वे भूल चुके थे भारत के गाँव की ऐसी तस्वीर उन बुद्धिजीवियों के सामने आई जिसके वास्तविक अस्तित्व को वे पूरी तरह भूल गए थे कि असल में भारत के गाँव थे क्या भारत तथा गाँव की ऐसी दशा देख नेहरू जी बेचैन हो गए तब उन्होंने उसके वास्तविक रूप को तलाशना शुरू किया कि असली रूप क्या है यह उनके लिए सही अर्थों में नई यात्रा थी उन्हें लगातार अपने लोगों की असफलताओं और कमज़ोरियों का दर्दयुक्त एहसास था पर ग्रामीण जनता में कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में नहीं थी मध्यवर्ग केवल उत्तेजना से भरा था जोश से भरा था ठीक है तो नेहरू जी के लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है नेहरू जी के लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है विविधता मतलब डिफरेंस चीज़ें डिफरेंट चीज़ें ठीक है तो उनकी विशाल संख्या होने के बावजूद भी उन्होंने उनसे बहुत अधिक आशा नहीं रखी इसलिए वे निराश भी नहीं हुए उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृति के कारण उनमें एक प्रकार की दृढ़ता और अंत शक्ति है ठीक है उम्मीद है वे लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का अत्याचार 200 वर्षों से लगातार अंग्रेज़ों का अत्याचार झेल रहे हैं बहुत कुछ तो इस कारण समाप्त हो गया पर उन्होंने बहुत कुछ सार्थक बचा रखा है हिम्मत टूट जाती है ना तो जो प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अंश बना हुआ है पर इसमें कुछ निरर्थक और अनिष्टकारी तत्व भी हैं कुछ बिना मतलब के और कुछ बुरा करने वाले तत्व भी हैं आगे भारत माता अगला अंश नेहरू जी जब भी सभाओं में जाते थे तो अपने श्रोताओं जो सुनने वाले स्पेक्टेटर्स से हिंदुस्तान के सम्राट भारत की चर्चा अवश्य करते थे जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा वे देश के किसानों के समक्ष इस महान देश की चर्चा करते जिसके लिए वे संघर्ष रहे हैं उनको नेहरू जी बताते हुए भिन्न भिन्न होकर वे कैसे एक हैं कि अलग होते हुए भी आप एक हो सभी इस महान भारत के हिस्से हैं उन्होंने सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास अंग्रेजी आ, मतलब पास अंग्रेजी में कहते हिंदी में दर्रे कहते प्लेन एरिया पहाड़ों में वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक की अपनी लंबी यात्रा के अनुभव के आधार पर बताया कि देश के सभी हिस्से के किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं देश के सभी स्थानों के किसान गरीबी कर्ज निहित स्वार्थ जमींदार महाजन भारी लगान कर जिसे टैक्स कहते हैं पुलिस के अत्याचार आदि समस्याओं का सामना करें क्योंकि सब कुछ अंग्रेज़ों के हाथ में था सभी देशवासियों को मिलकर इस देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराना है नेहरू जी के लिए यह अनुभव कराना ज़्यादा कठिन काम ना था क्योंकि उन्हें प्राचीन महाकाव्यों पूरा गाथाओं और दंत गाथाओं की जानकारी थी ठीक है तो प्राचीन महाकाव्य जो बड़े बड़े काव्य लिखे गए हैं पूरा गाथाएँ जो पुरानी गाथाएँ चली आ रही हैं दंत कथाएँ जो जुबानी भी चल रही हैं उन्हें साहित्य के माध्यम से देश के बारे में जानकारी थी जब आपने पढ़ा होता है आपको ज्ञान हो जाता है नेहरू जी जैसी ही जैसे ही किसी सभा में पहुंचते उनके स्वागत में भारत माता की जय के नारों का स्वर गूंज उठता वे उन्हीं से पूछ बैठते कि भारत माता की जय से उनका आशय क्या है वे स्वयं चकित होकर एक दूसरे को देखते और सोचते कि क्या जवाब दें फिर वे नेहरू जी की ओर देखते थे अंत में वे श्रोताओं को बताते कि भारत वह सब कुछ है जो उन्होंने सोच रखा है भारत इसके अलावा भी बहुत कुछ है भारत के पहाड़ और नदियाँ जंगल और फैले हुए खेत सब उन्हें प्रिय है पर भारत की जनता उन्हें सर्वाधिक प्रिय है इस विशाल धरती पर फैले लोग ही मूल रूप से भारत माता हैं तथा भारत माता की जय का अर्थ है जनता जनार्दन की जय इस प्रकार स्वयं को तथा प्रत्येक भारतवासी को भारत का हिस्सा समझकर उनकी आंखें चमकने लगती उन्हें लगता कि मानो उन्होंने भारत की खोज कर ली हो ये आज भी ज़रूरत है हमें समझने की तो धन्यवाद बच्चों